अभिमन्यु अपनी बीवी दिशा के साथ कुल्लू की घनी पहाड़ियों में बसे हुए झेलमपुर कस्बे में अपने दोस्त आर्यन की शादी में आया हुआ था। अभिमन्यु की बीवी बहुत खुश थी। आर्यन की शादी के दो दिन बाद अचानक अभिमन्यु को याद आया कि उन सब का दोस्त अनिरुद्ध शादी में नहीं आया। अभिमन्यु ड्राइंग रूम में बैठा हुआ सबसे बातें कर रहा था। तुम्हारी शादी में आकर बहुत अच्छा लगा आर्यन। दिशा ने तो तुम्हारी शादी को खूब एंजॉय किया। तुम्हारा बस चलता तो तुम तो मेरी शादी में आते ही नहीं। मैं तो भाभी को थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने प्रेगनेंसी के हालत में भी मेरे शादी में आने के लिए ट्रैवल किया। अरे कैसे नहीं आती आर्यन, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अभिमन्यु हर वक्त तुम्हारे बारे में बात करता है, आर्यन ये है, आर्यन वो है, और जब तुम्हारी शादी का इनविटेशन आया ना, तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। मैं भी देखना चाहती थी कि आर्यन क्या है। लेकिन सच बताऊं, अभिमन्यु तुम्हारी जितनी तारीफ करते हैं ना, तुम उससे कहीं ज्यादा बर्ताव से अच्छे हो और मजाकिया भी। मेरे मजाकिया आदत की तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भाभी। एक बात बताओ आर्यन, शादी में अनिरुद्ध क्यों नहीं आया? मैं दो दिन से आंखें फाड़ फाड़ कर उसका इंतजार कर रहा हूँ। वो तो पास के ही गांव में रहता है ना। अरे ये बात तो मैं बताना ही भूल गया, उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही, वो अपनी मम्मी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। आर्यन की बात सुनकर दिशा ने अभिमन्यु की ओर देखकर कहा, हमें अनिरुद्ध की माँ को जरूर देखने जाना चाहिए, वरना उसे ये जानकर बुरा लगेगा कि हम कुल्लू आए और उसकी बीमार माँ को देखने तक नहीं आए। तुम सही बोल रही हो दिशा, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। अगर ऐसी बात है तो कल मैं तुम दोनों को उसके गांव ले चलूंगा। अरे भूल गए क्या, कल तो मेरी दिल्ली वापसी का रिजर्वेशन है। मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हारी बाइक लेकर जाता हूँ। मैंने सुना है कि उसका घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। मैं और दिशा अकेले चले जाएंगे। अभिमन्यु की बात सुनकर आर्यन के चेहरे पर अचानक फिक्र की लकीरें छलकने लगी। आर्यन का डरा हुआ चेहरा देखकर अभिमन्यु बोला, क्या बात है आर्यन, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? दरअसल बात यह है कि अभिमन्यु, अनिरुद्ध के गांव से कुछ दूर पहले डायनी का इलाका पड़ता है। भाभी के पेट में 3 माह का गर्भ है और ये एक पहाड़ी इलाका है। तुम दोनों को वहां तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, और रात के वक्त में किसी भी औरत का डायनी घाटी से गुजरना मौत को दावत देने जैसा होता है। आर्यन की बात सुनकर अभिमन्यु जोर जोर से हंसने लगा। तुम पागल हो गए हो क्या? दुनिया मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रही है और तुम अभी भी इन अंधविश्वास भरी बातों पर यकीन करते हो? नहीं अभिमन्यु, ये कोई मजाक का विषय नहीं है। डायनी एक तरह से डायन का ही रूप होती है, लेकिन ये डायन से थोड़ी अलग तरह की होती है। डायनी को गर्भवती महिलाएं के गर्भ में पले बच्चे बहुत पसंद आते हैं, और वो उन बच्चों को खाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैं इन सभी बातों पर यकीन नहीं करती। मैं एक नए जमाने की लड़की हूँ, और मुझे लगता है कि आपको भी इन सब बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। मैं भी अभिमन्यु के साथ शहर में ही पढ़ा लिखा हूँ भाभी, लेकिन डायन भूत प्रेत इन सब का भी दुनिया में मौजूदगी होती है। ये बात अलग है कि शहर के लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन हम पहाड़ों पर रहने वाले लोग इन बातों पर अच्छे तरीके से यकीन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हकीकत है। तुम अच्छी तरह से जानते हो आर्यन कि मुझे हमेशा से इन बातों से गुस्सा आता है। मैं इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं अभिमन्यु? मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन लगता है अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा। सुनो, अनिरुद्ध का 6 महीने का बेटा पिछले कई दिनों से गायब है, और तो और उसके गांव में बहुत से गर्भवती औरतों के गर्भ के बच्चे गायब हैं। उस गांव में आज के दिन भी डायनी का खौफ जारी है। लोग वहां दिन में भी जाने से घबराते हैं। अब मैं समझा, इसका मतलब यह है कि अभिमन्यु के मम्मी पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैंने तुम्हें ये सोचकर नहीं बताया कि तुम बेवजह परेशान हो जाओगे। अब तो मैं आज ही अनिरुद्ध के घर पे जाऊंगा, और अगर उस गांव के बच्चे गायब हो रहे हैं तो गांव वालों को पुलिस की मदद लेनी चाहिए ना, ना कि डायनी वायनी जैसी बातों पर यकीन करना चाहिए। अभिमन्यु सही बोल रहा है, गांव वाले पुलिस वालों की मदद क्यों नहीं लेते? इस तरह से बच्चे अचानक कैसे लापता हो सकते हैं? और अगर यहाँ की पुलिस मदद नहीं कर रही तो फिर तुम लोग मीडिया वालों की हेल्प क्यों नहीं लेते? एक बार जब फ्रंट न्यूज पर बच्चों के लापता होने की न्यूज चलेगी ना, तो पुलिस अपने आप हरकत में आ जाएगी। मेरा दावा है
कि इसमें जरूर किसी मुजरिम रैकेट का हाथ होगा। जब वो रैकेट पकड़ा जाएगा ना, तो लोगों के दिल से डायनी का खौफ भी निकल जाएगा। बेचारे गांव के लोग बहुत भोले भाले होते हैं। ये सही बात है आर्यन, आपराधिक मानसिकता के लोग गांव वालों के भोलेपन का फायदा उठाकर अपने गंदे मकसद को अंजाम देते हैं और भोले भाले गांव वाले लोगों को भूत प्रेत पिशाच का डर दिखाकर उनका मुंह बंद कर देते हैं। जबकि सच तो ये है कि ये सारी की सारी बातें किताबों और मूवीज में ही अच्छी लगती है। ये पूरा सच नहीं है अभिमन्यु, मेरी बात पर यकीन करो। ये सिर्फ यहाँ वहाँ की कहानियाँ नहीं है, ये हकीकत है। डायनी का खौफ उस गांव में बरसों से छाया हुआ है। डायनी एक ऐसी डायन होती है जो अपने पिशाच लड़के के साथ लोगों का शिकार करती है। वो अपने शिकार को धोखा देने के लिए किसी का भी रूप ले सकती है। एक बार जब शिकार उसके कब्जे में आ जाता है तो वो और उसका पिशाच लड़का उसकी कितनी बुरी हालत करते हैं, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। आर्यन की बात सुनकर अभिमन्यु और तेजी से हंसने लगा। बस बस बहुत हो गया, इससे और ज्यादा मुझसे अंधविश्वास की बातें झेली नहीं जा सकती। तू मुझे बाइक की चाबी दे दे बस, मैं अभी इसी वक्त अनिरुद्ध के घर पे जाऊंगा और रात में ही वापस लौट कर आ जाऊंगा। और हम दोनों जब सही सलामत वापस लौट कर आएंगे ना, तो फिर तुम्हारा ये अंधविश्वास भी खत्म हो जाएगा। आर्यन ने अभिमन्यु को अनिरुद्ध के घर जाने के लिए बहुत मना किया, लेकिन अभिमन्यु नहीं माना। आर्यन ने अभिमन्यु के सामने हार मान ली और बाइक की चाबी अभिमन्यु को थमा दी। दिशा बाइक के पीछे बैठ गई और अभिमन्यु ने बाइक दौड़ा दी। जंगल का रास्ता शुरू हो गया था। चारों ओर कोहरा फैलने लगा था और ठंड बढ़ गई थी। तभी बाइक के दोनों टायर पंक्चर हो गए। अभिमन्यु बाइक को स्टैंड पर खड़ी करके बाइक की ओर गुस्से से देखने लगा। क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। एक तो रात का वक्त, ऊपर से इस बाइक के दोनों टायर पंक्चर हो गए। टेंशन मत लो, मैं आर्यन को फोन करती हूँ। इतना कहकर दिशा ने अपना मोबाइल फोन निकाल लिया, मगर उसमें नेटवर्क नहीं था। अभिमन्यु भी अपना फोन चेक करने लगा, मगर उसके मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं था। वो दोनों रात के सन्नाटे में कोहरे के बीच एक सुनसान जंगल में खड़े हुए थे। तभी अभिमन्यु को अंधेरे में एक साया चलता हुआ नजर आया। कुछ ही वक्त में वो साया दोनों के करीब आ गया। वो एक बुजुर्ग औरत थी जो लाठी पकड़े हुए थी। लगता है तुम दोनों परदेसी हो, रास्ता भटक गए हो क्या? नहीं दादी, बाइक के दोनों टायर पंक्चर हो गए हैं और हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। रात की खामोशी फैली हुई है बेटा, और ये डायनी का इलाका है। यहाँ जंगली जानवर रात में टहलते रहते हैं। पैदल जाने में तुम दोनों को खतरा हो सकता है। यहाँ से कुछ दूर पर मेरी एक झोपड़ी है, अगर तुम लोग चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। डायनी का नाम सुनकर दिशा बुरी तरह चौंक गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादी। वो बुजुर्ग औरत अपनी लाठी लेकर आगे आगे चलने लगी। अभिमन्यु बाइक घसीटता हुआ उस बुजुर्ग औरत के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही वक्त में वो दोनों एक झोपड़ी के सामने खड़े हो गए थे, जिसके चारों ओर लंबे घने दरख्त ही दरख्त थे और वहाँ भी चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। दिशा के चेहरे पर अब डर झलकने लगा था। दिशा ने आहिस्ता से अभिमन्यु से कहा, अभिमन्यु मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। लगता है तुम्हारे दिमाग में आर्यन की बातें हावी होने लगी है। तभी उन दोनों के कानों में बुढ़िया की आवाज टकराई। अंदर आ जाओ तुम दोनों, मेरा बेटा अभी आता ही होगा। लेकिन यहाँ पर कोई आसपास मकान क्यों नहीं नजर आ रहा? अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि अचानक तेज बारिश होने लगी। वो बुजुर्ग औरत अभिमन्यु की बात का जवाब दिए बगैर झोपड़ी के अंदर चली गई। अब उन दोनों के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए और वहाँ बिछी हुई एक चारपाई पर बैठ गए। बुजुर्ग औरत उन दोनों की ओर देखकर रहस्यमयी अंदाज में बोली, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं अपने बेटे को बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर वो बुजुर्ग औरत बाहर चली गई। उन दोनों को वहाँ बैठे बैठे काफी वक्त हो गया था। बाहर अभी भी रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी। दिशा ने अपनी घड़ी देखी तो वो चौंक गई। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे।
दिशा डरते हुए अभिमन्यु से बोली, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है अभिमन्यु, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। उस बुजुर्ग औरत को गए हुए काफी वक्त हो गया है, कहीं आर्यन की बात सही तो नहीं ना? मेरे पेट में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। दिशा की ये बात सुनकर अभिमन्यु बुरी तरह से चौंक गया और बोला, तुम कहना क्या चाहती हो दिशा, क्या हो रहा है तुम्हारे पेट में? मुझे यहाँ बैठे हुए काफी वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक मेरे पेट में किसी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो मैं प्रेग्नेंट हूँ ही नहीं। इतना कहकर दिशा ने अपने पेट पर हाथ रख लिया, मगर जैसे ही उसने अपने पेट पर हाथ रखा, दिशा अपने पेट को हैरत और खौफ से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। अभिमन्यु, हरण की बात बिल्कुल सही थी, मेरे पेट में बच्चा नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम, ये कैसे हो सकता है? इतना कहकर अभिमन्यु ने जैसे ही दिशा के पेट पर हाथ रखा, उसका पेट बिल्कुल सपाट था। अभिमन्यु के डर और दहशत से रोंगटे खड़े हो गए। तभी उन दोनों को बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अभिमन्यु और दिशा ने जैसे ही अपने कदम उस झोपड़ी के बाहर निकाले, तो बाहर का नजारा देखकर उन दोनों की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। बाहर एक 6 फुट का बड़ा ही भयानक दिखने वाला आदमी खड़ा था। उसके चेहरे का मांस जगह जगह से फटा हुआ था, उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उस बुजुर्ग औरत की आंखों की पुतलियां भी बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं। उसके दांत अजीब और बिल्कुल पीले थे। यही है मेरा बेटा, दिशा की जोरदार चीख निकल गई। कौन हो तुम? डाइनी। आर्यन सही बोल रहा था अभिमन्यु, जितनी तेजी से यहाँ से भाग सकती हो उतनी तेजी से यहाँ से भागो। अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी वो भयानक आदमी बेहद फुर्ती से दिशा के नजदीक आ गया और उसने दिशा का गला बुरी तरह से दबोच लिया। अभिमन्यु अपनी बीवी को बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगा कि तभी डाइनी ने अपने पंजे से अभिमन्यु के कंधे को फाड़ कर रख दिया। अभिमन्यु जमीन पर गिर गया। उस भयानक चेहरे वाले ने अपने पंजे से दिशा का पेट फाड़ दिया। दिशा एक चीख के साथ ढेर होकर जमीन पर गिर गई। वो बुजुर्ग औरत अभिमन्यु की ओर खूंखार नजरों से देखने लगी। तभी अभिमन्यु को दूर से बहुत सारी रोशनियां नजर आईं। अभिमन्यु ने देखा कि बहुत से गांव वाले हाथों में मशाल लिए उनकी ओर चले आ रहे थे। जैसे जैसे वो नजदीक आ रहे थे, वो भयानक दिखने वाली डायन और उस पिशाच के कदम पीछे की ओर हटते जा रहे थे। वो दोनों धुआं बनकर गायब हो गए। उस झोपड़ी का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। अभिमन्यु बेहोशी की गहराइयों यानी कि नींद में समा गया। तभी उसके कानों में उसके दोस्त अनिरुद्ध की आवाज गूंजी। वो गांव वालों से बोल रहा था, इसकी बीवी मारी गई, उठाओ इसको और जल्दी ले चलो यहाँ से। अगली सुबह अभिमन्यु की आंख अनिरुद्ध के घर पर खुली। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पास आर्यन का फोन आ गया था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब तुम मेरे घर पर नहीं आए तो मैं समझ गया था कि तुम डाइनी के जाल में फंस गए हो। मैंने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा करके उसके इलाके में पहुंच गया। बहुत सालों पहले वहाँ एक बूढ़ी औरत और उसका बदसूरत बेटा रहा करता था। बूढ़ी औरत तंत्र मंत्र करती थी और उसका बेटा इंसानों की बलि लिया करता था। एक रात गांव वालों ने मिलकर उस बूढ़ी औरत के बदसूरत बेटे को मार दिया। वो बूढ़ी औरत अपने जवान बदसूरत बेटे के मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने गांव वालों से बदला लेने के लिए डाइनी की काली तंत्र विद्या का सहारा लेना शुरू कर दिया। डाइनी ने खुश होकर उसके बेटे को अपना बेटा बना लिया, पिशाच बनाकर। तब से वो ऐसे ही लोगों का शिकार करती रहती है। अभिमन्यु आंखों में आंसू लिए उसी दिन दिल्ली वापस लौट आया। अभिमन्यु ने फिर दूसरी शादी नहीं की। वो आज भी अपनी बीवी दिशा को याद करके रोता रहता है।